भाई पता नहीं गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी। वाशी भी आए थोड़ी ऑफ रोड तो कर लीजिए भैया, उसकी तो जैसी बुलाएंगे। गाड़ी पे पूरी आई जमी हुई है। ठंड लग रही है। मजा आ रहा है क्योंकि देखो ना आवाज आ रही होगी, पीछे रिवर है, पीछे रिवर ही है और हमारी होगी बॉनफायर। लाइट हमने जलाई रखी है। ये सामने कैंप है, सुबह दिखाऊंगा आपको मैं। सामने माउंटेन पीक से और ये हमने अपनी स्टार्ट कर दी बॉनफायर। टेबल हमने लगाई दी है, गाड़ी ये खड़ी है और बेड हमारा दिखाता हूँ लगी गया है सारा। ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ये देखिए टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर है। फील लाइक वन। तो आप समझ लीजिए ये हमारा लग गया है क्या, चेंजिंग रूम। दोनों एज यूजुअल जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। प्यार से खिले तो भैया नहीं अगर थोड़ा ठंडा मौसम। तो हमने फुल फ्लैज कैंपिंग स्टार्ट कर दी है। ये रिवर साइड है, रात को पहुंचे आ रहे थके, खाना नहीं बना पाए, खाना कर बनाएंगे। देखिए हमने टेबल लगा दिया, पहले यहाँ पे टेबल लग गई है, लाइट ले ली है, पूरा इंतजाम हमने कर दिया। कुर्सी हमारे पास है, चेंजिंग रूम हमारे पास है और ये है हमारे पीछे जो लाती है हमें स्कॉर्पियो एन, आग, बॉनफायर, जो एक कैंपिंग में चीज होती है हम अकेले कर लेते हैं। अब हमने कर ली है रात को बॉनफायर, होगी हमारी खत्म। टेबल कुर्सी भारी छोड़ रहे हम और ये हमने लगा दी है जगमग जगमग दीपों की माला, फुल रोशनी है। अब की बार हमने बताया था आपको, तो अब हमने कर लिया अपना सोना का जुगाड़। रिवर साइड किया प्रयत्न है, बेड हमारा लग चुका है तो अब चलते हैं बेड के ऊपर। लंबी ड्राइव भी कर लिया आप हमने आज, पीछे भी कोई गाड़ी हो रही है। देखो गाड़ी दी आपको, ये ऊपर जा रही है रिवर साइड से, देखो ये ऊपर जा रही है। तो दिन बड़ा अच्छा रहा आज का, हमने काफी इंजॉयमेंट किया, मतलब चैलेंजिंग था आज का दिन। 3 घंटे ट्रैफिक में रहे फिर भी पहुंच गए। डिनर नहीं हमने बाहर कर लिया, यहाँ तो हमने सोचा कि बीच में नहीं रुकेंगे, रुकेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन जो सेट करी थी उसी पे ही जाएंगे। हाँ ये है कि थोड़ा सा डिनर नहीं बना पाए पर वैसे सब ठीक रहा। हाँ अच्छा था, मतलब अब तो बस ये की नींद आ जाए बढ़िया सी, एक सोते हैं और सुबह फिर सुबह दिखाता हूँ आपको मैं। हम दिखाएंगे आपको, चाय भी बनाएंगे, असीन सी वादियां देखेंगे, आसपास सारे स्नो पीक्स से गिरा हुआ है और थोड़ा टाइम निकाल के रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कहाँ का मन बनता है, कहाँ चलते हैं नहीं चलते हैं। अब सोते हैं, अभी नींद आ रही है बड़ी तेज, 10 बज गए हैं, काफी तेज नींद आ रही है, 10 से ज्यादा टाइम हो गया, तो सोते हैं, सुबह मिलते हैं। अब बताना कोई लाइटिंग वाइटिंग में कमी है, कमी पेशी कमेंट में डालना, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और भाई क्या बताऊं सुबह कैसी थी, बुरा हाल हो गया ठंड के मारे। आपको दिखाता हूँ कैसे गाड़ी में मेरी आइस जमी हुई है, आपको दिखाता हूँ और सेटअप दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे हैं। गाड़ी के ऊपर आइस जमी हुई, देखिए पूरी गाड़ी ठंड के मारे, जैसे हमारा वहां हुआ था। अंदर भी है, हाँ दोनों साइड जमी हुई, देख लीजिए आप, आइस जम गई है पूरी गाड़ी के ऊपर। इतनी ठंड थी रात को, इतनी ठंड थी, पता नहीं हमारा बुरा हाल हो गया। और ये देखिए जब नज़ारों की आपसे मैं बात कर रहा था, मैं इन नज़ारों की बात कर रहा था। वैसे सूर्य देवता आने वाले थोड़ी देर में, अभी आते ही हमारी सारी दिक्कतों का कर देंगे समाधान। ये देखिए ये और यहाँ हम आए हैं रात को, कहाँ से आए हैं दिखाता हूँ, ये आए हैं रात यहाँ से होते हुए, वो जो ऊपर है इन बर्फ की पहाड़ी है, और यहाँ से होते 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 हम पहुंचे हैं। रात को कुछ दिख नहीं रहा था, हम गाड़ी यहाँ पानी में ले जाके और ने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हमने, लेकिन मौसम ऐसा है देख लीजिए, ठंड है, बुरा हाल है, माइनस थी रात को, और भी हो गया रात को, माइनस 4 या 5 डिग्री हो जाएगा। गर्म पानी कर दिया मैंने, सेटअप कर दिया है, ये हमने बॉनफायर किया था और ये लगा दी हमने अपना चेंजिंग रूम, और ये बहती यहाँ पे कलकल करती हुई नदी, और वो है ऊपर छिटपुल जहाँ हमने रात को क्या किया था, हमने रात को गया डिनर, रात को वहीं थे हम जहाँ पहुँचे थे।
सबने कहा कि वहाँ बॉनफायर नहीं कर सकते, कोई पंचायत का कोई वो आ गया है और आप यहाँ जाइए। तो हमने यहाँ आ गया, भैया से रिक्वेस्ट की और अंधेरे अंधेरे में हमने गाड़ी अपनी यहाँ पे लगा दी। कैंपिंग है, कैंप लगते हैं यहाँ पे। गाड़ी पे पूरी आइस जमी हुई है, ये बुलेट पर भी। मौसम तो बहुत ठंडा है, कैंप भारत दीदी इसके ऊपर भी आइस जमी हुई है, अंदर की तरफ भी आ गई है। ये नदी जो बह रही है सामने, ये बस परिवार है यहाँ पर, ये ऊपर से आती है और यहाँ पे आखिरी विलेज है ये, आगे तिब्बत आ जाता है, इसमें चाइना उसके बाद आता है तिब्बत के बाद। और अपराजिता बना रही है गर्मा गर्म, क्या बना रही है मैडम? चाय बना रही है। चाय को मैंने बोल दिया थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखेगी, दिखाता हूँ आपको। ये बन रही है चाय, दूध हमारा फट गया था तो हम उस दूध से काम चला रहे हैं जो पाउडर मिल्क होता है। लेकिन नेचर बहुत सुंदर है यहाँ पे, देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है देख के आपको। ये चाय बन गई है, अभी हम चाय पी रहे हैं। अपराजिता ने स्टील के गिलास में दिए ताकि देर तक ये गर्म रहे, वरना यहाँ पे क्या है इतनी ठंड है, चाय जब आप डालते हो ना, डालते ही वो ठंडी हो जाती है। रात को बहुत ठंड थी, मुझे बहुत ठंड लगी, लगा कि यार पैरों में ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि टेम्परेचर शायद जहाँ तक मेरा -4 या -5 से कम होगा। हाँ कैसे है हीरो? इधर कितना प्यारा डॉग आ गया, मुझे पता ही नहीं मेरे कौन आ रहा है पीछे से। एक आ गया है, तीन है। ये मैंने टेंट गाड़ दिया, हवा तेज थी तो मैंने जुगाड़ कर दिया पूरा ताकि ये उड़े ना। तो अभी मैं अपराजिता ने कहा पानी वानी भरो और काम पे चालू हो जाए। आज क्या बनाओगे मैडम? आज अभी देख रहे हैं कि क्या बनाएंगे स्पेशल। क्या स्पेशल? अभी आलू बॉईल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, सोच रही हूँ कि डोसा और सांभर बनाने। क्या सांभर और डोसा? मतलब आप इन छिटपुल की हसीन वादियों में मेरे को डोसा सांभर खिलाओगे? चटनी कहाँ? अच्छा ऐसे कहाँ? तो नहीं, अब हर चीज तो अवेलेबल है। वही देखो आज बनाएंगे हम अपना ठंड में भाई। अभी ऐसे डोसा सांभर बहुत बुरा हाल है इसका, ऐसे कह रहे हो कि चटनी भी चाहिए। इसका बहुत बुरा हाल है, ठंड में रात में मेरे को ठंड लग रही थी आज, और मतलब बता रहा हूँ रियली में पराशर लिख जा ठंड। हाँ ज्यादा ठंड है यहाँ पे, क्योंकि ये जो देखो ना कितने नियर बाय है ना, बहुत पराशर थोड़ा दूर थी, ये तो जल्दी पहुंच सकता है। तो करते काम, तैयारी करते फटाफट से। अब जा रहा हूं मैं पानी भरने के लिए, पानी भर के ले आया हूं और अब करते अपने बर्तनों साफ करने, काफी काम आएगा। तीनों डॉग आके यहां बैठ गए हैं, एक ये बैठा हुआ है, दो वहां बैठे हुए हैं और अपराजिता कर रही है अपनी आलू कर बना रही है, आलू टमाटर। ये हमने कुकर चालू किया हुआ है, अभी बनाएंगे इसमें फटाफट से गर्मा गर्म डोसे। अब की बार हम एक बाल्टी भी ले आए हैं, देख लीजिए फोल्डेबल। ये हमने आलू उबाल भी लिए थे और ये बन रहा है हमारा गर्मा गर्म। क्या बन रहा प्राइता? सांबर। सांबर ही बना रहे हो? आप तो कहते हैं मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने कहा सांबर, फिर कुछ लिक्विड तो चाहिए ना, चटनी भी नहीं है, तो सांबर बनाएंगे और डोसा बनाएंगे। क्या बना रहे प्रीति? ये आलू का जो मटेरियल होता है ना, डोसे में आलू होते हैं, वो बना रही। अपराजिता प्रॉपर खाना बनाती है, फुल डाइट।
लेकिन कैंपिंग आदमी वही कर सकता है जो थोड़े से मेंटली टफ हो, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ। रिवर साइड कैंपिंग हो रही है, ये रिवर बह रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप बोले कोशिश, रिवर तो दिखाई नहीं है, पर तब तक ये अप्लाई था अपना, ये बना रही है और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवर कहाँ पे बह रही है। दिखा दूँ शेफ जी क्या? रिवर दिखा दूँ? हाँ रिवर दिखाओ। ये धनिया डाल रही है प्राजिता। ऐसा नहीं कि मुझे, मैं भी चाहूँ तो बहुत टेस्टी खाना बना सकता हूँ, पर मैं ट्राई नहीं करता प्राजिता के होते हुए। कभी खिला देना। कभी मैं भी कभी करूँगा सोलो ट्रिप तो आपको दिखाऊंगा कि मैं गरम गरम पराठे कितने बढ़िया बनाता हूँ, आलू की चाट। ये बाएं हाथ का खेल है मेरा, अब प्राजिता को पता है इस बात का। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओए होए होए होए, अभी थोड़ा सा पतला हो गया क्योंकि मैं सांभर पतला खाता हूँ, ये इस शेफ को पता अच्छी तरह से। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। सांभर तो बहुत सारा बन गया। सारा बन गया? बहुत ज्यादा। तो यार ऐसा क्या किया तुमने? खतू खाली सारा? तुम्हारा वजन थोड़ा कम हो गया, देखो शेफ ऐसा टेस्ट करता है, और जब तक बेस्ट नहीं होगा ना ये मुझे खाने को नहीं देगा। स्टार्ट कर दिया प्राजिता ने, अब छोटे छोटे बड़े बड़े क्यूट क्यूट से डोसे बनने तो बन गया, स्टार्ट हो गए हैं। प्लेट दूं? वो वहां साइड में, ये वाली, ये प्लेट हम लाए हैं, ये मैंने प्लेट दिया प्राजिता को और ये प्राजिता ने डाल दिया है। देखो वो वाली बात तो नहीं हो पाती पूरी घर में, फिर भी अच्छी है, मजा आ जाएगा क्योंकि ये वाला जो है ना जो डोसे का मटेरियल है वो रेडीमेड है। लिक्विड ज्यादा, ये ऐसे ही है, थोड़ा सा गाढ़ा ही है। लिया हूँ डोसा मैं, अब खाता हूँ, खा के दिखाता हूँ आपको मैं। बहुत बढ़िया, अगर सांभर नहीं भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, मजा आ गया ब्रेकफास्ट करके। यहाँ पे आके जब गरम चीज़ मिलती है ना, वो बनाई हुआ की चीज़ की अनलिमिटेड, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम खाते हैं, आप भी खाइए, और अब देखते हैं अगला सीन क्या होगा। अब अप्राइता कर रही है ट्रिप का सबसे मुश्किल वाला काम, सबसे होता, लेकिन हमने अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा कर लिया अब की बार, थोड़ा बैठने बैठने इंतजाम कर लिया, बाल्टी वाल्टी ले आए हैं वहाँ, मिल्टन का जार लगा दिया है निशा और जो भी है, और धूप आ गई है, मेरी जैकेट गल गई है और काफ़ी तीखी धूप है यहाँ पे। तो बर्तन धोते हैं, नाश्ता हमने कर लिया है और फिर प्लान करते हैं आगे का। क्या खिला रहे हो? डोसा। डोसा खा रहा है? हाँ। अरे वाह, मिट मिट नीचे लग रहे हैं। सांभर तो नहीं खाएगा। तो सामान पैक करते हैं और फटाफट से फिर आपको दिखाते हैं कि हम अगला स्टेप क्या है। मज़ा आ रहा होगा, जैसे हमें मज़ा आ रहा है, काफ़ी सुंदर जगह है, पर आना बड़ा मुश्किल छिटकू लिया। हम आ गए हैं, ये पीछे बासपा रिवर बह रही है मेरे, और फ्रंट पे दिखाता हूँ फ्रंट पे क्या है मेरे, आप मेरे फ्रंट पे क्या है देखिए मेरा, मैं अब इनको देख रहा हूँ, प्रत्येक अपना रील बना रही है, वो भी आ गई है, और ये है मेरे सामने से।
यहाँ बैठा हूँ मैं, सुकून तो आता है पहाड़ों पे आके, वैसे थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब भी आए थोड़ा टाइम निकाल के आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ये नहीं कि रात को पहुँचे और सुबह सुबह भाई 6-7 बजे 10 बजे 12 बजे निकल लिए, आराम से आए और इस सुंदर जगह का भरपूर आनंद लें। ये जो हम आए थे ये बासपा रिवर कैंप्स हैं, नंबर मेंशन कर दूंगा मैं, आप भी आना, हमने भाई से परमिशन ले ली थी और आपको भी कैंपिंग करनी है आप कर सकते हो, नंबर मेंशन कर दो, थोड़े चार्जेस होते हैं, पानी वानी टॉयलेट वगैरह गर्म पानी भी था, वरना आप अपनी कैंपिंग कीजिए जैसे हमने की है, और वैसे नहीं करने तो वैसे कर सकते हो, चितकूल में ये मेन है, काफी अच्छी लोकेशन है और काफी अच्छा इंतजाम है और हेल्प भी कर देते। मैं नंबर मेंशन करता हूँ, भाई पता नहीं गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं निकलेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ, आप देखना, आप बताओ गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, पर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ भाई, कोशिश क्या है थोड़ी ऑफ रोड तो करनी चाहिए भैया, फंस गई तो जैसी बुलाएंगे ट्रैक्टर, भाई जूम मोड ऐड कर दूं, सिटी मोड में निकाल दूं, कोई मोड नहीं कुछ नहीं, और मैं गाड़ी को निकालना लेते हैं, ऊपर वाले का नाम वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सब प्रभा निर्विघ्न गुरु में दे सर्व कार्येषु सर्वदा।